ओ फ्रेंड्स, हम थे क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 बी कंटिन्यू। साइन स्क्वायर 60 डिग्री, कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। Very easy. Solution is sine square 60 degree, cot square 60 degree. Then put the value of trigonometry table. Sine 60 is value root 3 by 2 ka whole square and cot 60 is 1 by root 3 ka whole square. Then 3 by 4 into 1 by 3 and answer will be is 1 by 4. Next, question number 12. 4 cos cube 30 degree minus 3 cos 30. Then 4 cos cube, cos 30 की value रूट थ्री बाई टू का होल क्यूब माइनस थ्री इंटू रूट थ्री बाई टू। फोर इंटू रूट थ्री का आप क्यूब करेंगे तो आएगा थ्री रूट थ्री अपॉन एट माइनस थ्री रूट थ्री बाई टू। देन फोर से ये कट आउट हो जाएगा टू टाइम्स एंड रिमेनिंग इज थ्री रूट थ्री बाई टू माइनस थ्री रूट थ्री बाई टू। ये माइनस से ये प्लस वाला कैंसिल and answer will be 0. Next question number 30. देखें, यदि cot थीटा इक्वल टू वन बाई रूट थ्री हो तो सिद्ध कीजिए टू प्रूव इधर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू थ्री बाई फाइव। देन गिवन क्या दिया गया आपको, इफ कॉट थीटा इक्वल टू वन बाई रूट थ्री। प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है आपको, आपको सिद्ध करना है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू थ्री बाई फाइव। ये आपको सिद्ध। देन प्रूफ, आपको दिया गया है कि कोट थीटा इक्वल टू है वन बाई रूट थ्री। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कोट थीटा में वन बाई रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है। कॉट थीटा में वन बाई रूट थ्री वे किसकी वैल्यू होती है, कॉट 60 की। देन कंपेरिजन बोथ साइड ऑफ एंगल थीटा इक्वल टू 60, समीकरण के दोनों पक्षों में कोणों की तुलना करने पर। हम यहाँ लिखेंगे कोणों की तुलना करने पर। अब ये वैल्यू थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आप कहाँ पुट कर देंगे, LHS, लेट्स गिवन LHS, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन टू माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देन 1 माइनस कोस 60 इज
वन बाई रूट टू का होल स्क्वायर अपॉन टू माइनस रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन. हम यहां कर रहे हैं इस क्वेश्चन को. रिमेनिंग इज वन माइनस वन बाई फोर अपॉन टू माइनस रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा थ्री बाई फोर एंड सॉल्व दिस इक्वेशन. फोर वन जा फोर, फोर में से वन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थ्री बाई फोर अपॉन फोर टू जा एट, एट में से थ्री सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देन फाइव बाई फोर, देन फोर से फोर कैंसिल आउट हो जाएगा एंड रिमेनिंग इज थ्री बाई फाइव इक्वल टू आर एच एस. ये आपको प्रूफ करना था एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूफ. नोट कर लें आप और अच्छे से समझें आप सभी. बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है. क्वेश्चन नंबर 30. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास. सिद्ध कीजिए 3 ब्रैकेट टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू जीरो. ये आपको प्रूव करना है. देन आप क्या करेंगे एल एच एस. रीराइट द सेंटेंस. 3 टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 8 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री. पुट द वैल्यू फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री टेबल. टेन 30 इज वैल्यू ऑफ 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस कॉट 30 इज रूट 3 एंड माइनस 8 ब्रैकेट ऑफ साइन 45 इज 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 इज रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर. नेक्स्ट सॉल्व इट. डिस्क्यूशन 3 वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर 1/3 प्लस 3 रूट थ्री का आप करेंगे तो 3 आएगा माइनस 8 इंटू 1/√2 का करेंगे 1/2 एंड रूट थ्री बाई टू का करेंगे 3/4. 3 इंटू इसको सॉल्व करेंगे आप 3 जा 9, 9 और 1 10, 10 बाई 3 माइनस 8 इंटू देन एलसीएम इज 4. 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 को 3 से करेंगे 3, देन 3 से 3 कैंसिल रिमेनिंग इज 10 माइनस 8 इंटू 3 और 2 5/4 एंड 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम एंड रिमेनिंग इज 10 माइनस 2 इंटू 5 देन सॉल्व. 10 माइनस 5 2 जा 10 एंड 10 माइनस 10 इक्वल टू 0 इट इज़ अ आर एच एस. सो
LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ।